आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट साफ ठीक से नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन ना लगना, ये सब ठीक से पेट साफ ना होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। ये अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन ये शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां लें, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट साफ ठीक से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध। अगर वहां से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ ना होने के कारण ही पैदा होती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट साफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रीज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ पाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी करके पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं, बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे, ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा, तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं और जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है, इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जठरग्नि जो होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो वो जठरग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता। इसीलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिएं। ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में और जोड़ों में दर्द की समस्याएं पैदा होती हैं। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिएं, वही पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। दूसरा तरीका या कहें कि दिनचर्या है कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर की बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पे चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पे चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपनी गंदगी, अपने शरीर की गंदगी साफ कर सकें।
पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज़्यादा समय तक भूखा रहना पड़ता है, उसको हम अर्ध उपवास भी बोल सकते हैं। अगर उसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, तीसरा असरदार तरीका अपने पेट को साफ करने का समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसीलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, फाइबर होते हैं उसमें, जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं, और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज्यादा लाभकारी होता है, उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। चौथा तरीका है अपनी आहार नली को साफ रखना। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं उनकी ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है नीम, एक ऐसा दिव्य पेड़। नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो भारत में बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। अगला तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 ग्लास दूध के अंदर 1/2 चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं, और सिर्फ 1/2 चम्मच मिलानी है, सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिस कारण से आपकी आंतों में खाना नहीं चिपकेगा, और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल लें। पैकिंग में जो तेल आता है जो अंग्रेजी होता है वो उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल लें, एक तो वो सस्ता भी होगा और दूसरा वो लाभकारी भी ज्यादा होगा। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। रीठा, बहेड़ा और आंवला, ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिए जाएं तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ 1/2 चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए, शरीर की सारी गंदगी बड़ी आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी वीडियो बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि इंसान अपना इलाज खुद करना सीखे। पश्चिमी दवाएं, अंग्रेजी दवाएं एक तो काम बहुत कम करती हैं, और काम कर भी जाती हैं तो वो शरीर में दूसरे नुकसान पहुंचाती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में वाघ भट्ट जी ने ऐसे बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने शरीर को
हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रखा जा सकता है, तो फिर क्यों हम अंग्रेजी दवाओं की तरफ दौड़ रहे हैं? हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हर घर में जिस तरह से धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उसी तरह से अष्टांग हृदयम जैसी किताबें भी होनी चाहिए, जिनका रोज अध्ययन करना चाहिए, जिसमें शरीर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। पहले ये किताब संस्कृत में होती थी, लेकिन अब उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, तो समझने में कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी, सहायक लगी, तो अपने सगे संबंधियों के साथ इसको जरूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम शरीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।